हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइज, अभी मैं बैठी हूँ अपने गार्डन में और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं गार्डन से, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पर टहल रही थी। मेरी आदत है कि मैं अपने गार्डन में डेली आती हूँ और यहाँ के प्लांट्स को चेक करती हूँ। हमारे अभी तक मिली भी मेरे साथ यहाँ घूम रही थी और शैतानी कर रही थी, और जस्ट अभी जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो वो भाग गई, क्योंकि उसने एक ये भी है कि जब तक हमारा हाथ हिलते हुए देखती है या हमको कुछ काम करते हुए देखती है तो भाग भाग के आते हैं और हमारे हाथ पैरों में दांत काटने लगती है, झपटती है। और ये देखिए, मिली आ रही है धीरे धीरे और यहाँ पर आ गई है। देखिए, बिल्कुल शैतानी कर रही है। देखिए, यहाँ पर बैठ के भी शैतानी कर रही है। ये देखिए इसको, ये देखिए इसको, इसकी शैतानियाँ ऐसी रहती हैं। मिली, मैं तुझे बहुत मार दूँगी, देख लेना। मिली, मैं तुझे बहुत मारूँगी। मिली, हट जा यहाँ से, कहना नहीं मान। मिली, देखिए गाइस, कैसे पंजा मार रही है, कैसे झपट रही है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग इसे खुद देख चुके हैं। तो ये तो इसकी हरकतें हैं, इसलिए मुझे इससे थोड़ा डर लगता है। देखिए, अभी भी मुझे छोड़ नहीं रही है। ये देखिए गाइस, कैसे बैठी हुई है। गाइस, आप लोग मिली का ड्रामा देख चुके हैं और हमारा लंच भी बन गया है। और अब मैं करती हूँ लंच, उसके बाद मुझे होना है रेडी, क्योंकि मुझे मार्केट के लिए निकलना है और मार्केट से मुझे जाना है दीदी के घर। दीदी की एक बेटी हॉस्टल में पढ़ती है, तो उसका कुछ सामान लेके जाना है मुझे मार्केट से। और उसके बाद शाम को हम जाएंगे उससे मिलने हॉस्टल में, क्योंकि दिन में उसकी क्लासेस होती हैं और थोड़ा टेस्ट वगैरह होते हैं, तो मैडम ने 5 बजे के बाद का टाइम दिया है। तो हम लोग शाम को उसका सामान देने जाएंगे और आज रात में वहीं रुकूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और दगड़ियो, यो मेरी मिली एल में दीदी वहाँ जा रहा हूँ, तो ये तो मेरा निशास लाग रहा है। देखो कसी भैर है एल, तो ये मेरे दगर नाच रही थी शैतानी करण जी। अब ज़्यादा बड़ी एल मुझे तैयार है, देख रखा, देखो कसी निशास लाग रहा है। बाय बाय मिली। गाइस, रास्ते में मेरे दो कज़न मिल गए, अभी और कभी। बाय। जब मैं आ गई हूँ दीदी के घर में, और ये देखिए, ये है हमारा जैकी। जब भी हम यहाँ आते हैं तो एंट्रेंस में यही हमारा स्वागत करता है, ये देखिए। और जब तक हम इसको बिस्किट नहीं देते हैं, तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। और देखिए दोस्तों, ये बार बार अंदर को जा रहा है और दीदी को बुला रहा है कि दरवाजा खोल, मौसी आई है। और ये है मेरी दीदी। गाइस, यहाँ जैकी के साथ है हमारी ग्रेसी, तो ये दोनों बिस्किट का इंतजार कर रहे हैं। तो पहले मैं इनको बिस्किट दे देती हूँ। और गाइस, अब मैं अंदर चली गई हूँ और ये देखिए, यहाँ बैठे हैं मेरे जीजा जी। जय प्रणाम। ये देखिए गाइस, जैकी जीजा जी से कुछ मांग रहा है। देखिए कितने तरीके से उनसे कुछ मांग रहा है। ये देखिए, अब वो उनका हाथ पकड़ रहा है और ये खींच के ले जा रहा है उनको। यहाँ जैकी और ग्रेसी का पेडिग्री रखा है, तो वो सीधे जिया जी को वहीं ले जा रहा है कि मुझे पेडिग्री दो। गाइस, अभी दीदी कर रही है डिनर की तैयारी। ये देखिए, आज यहाँ लौकी सब्जी बनने वाली है। और दूसरी साइड में आपको दिखाती हूँ लवी और जैकी का ड्रामा। गाइस, ये है मेरी दीदी की बड़ी बेटी लवी। गाइस, अभी दीदी खाना बना रही है, उसके बाद ही हम लोग मून से मिलने जाएंगे। मून यानी माही, ठीक है, आपको कंफ्यूज मत होइएगा, मोना माही रहती है। तो जब खाना बना बन जाएगा, उसके बाद हम उसके हॉस्टल जाएंगे मिलने। तो तब तक मैं जा रही हूँ छत में, क्योंकि अभी सड़क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और इस वक्त जो सड़क है बहुत सुंदर लग रही है। तो चलिए छत से मैं आपको छत का व्यू दिखाती हूँ। तो उसको ये दृश्य देखिए, अभी कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ देखिए, आसमान में हल्की हल्की लालिमा है और रोशनी से जगमगाई हुई पूरी रोड। ये देखिए,
दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। तो दिवाली के टाइम में जैसे हम लोग घर को सजा देते हैं लाइट से, तो ऐसे ही अभी रोड सजी हुई है। ये देखिए गाइस, ये देखिए सामने से एक बारात भी जा रही है। बारात चली गई है और अब मैं भी छत से नीचे जाती हूँ। यहाँ पर खड़े खड़े बहुत ठंडा लग रहा है मुझे, और अभी हमने माही से मिलने के लिए भी जाना है। जाके आजा, बारात चली गई, हम भी जाते हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं माही से मिलने उसके हॉस्टल। बस सामने फ्री बॉडी चौराहे से हम बस आगे हमने जाना है उससे मिलने, उसका हॉस्टल है। तो अभी बस हम पहुँचने ही वाले हैं। ये सामने जा रहे हैं दीदी और जिया जी, दीदी और जिया जी को माही से मिलने की कितनी जल्दी है। ये देखिए मुझे छोटी बेटी है दीदी की, वो देखिए सामने उसका बोर्ड दिख रहा है। अभी यहाँ से कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी मैं पास जाके आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी मैम का हॉस्टल। देखिए हमने पहले बात की थी मिलने के लिए, तो हमारा वेट कर रही होगी अंदर। और ये है माही का हॉस्टल और सामने है गार्डन गर्ल। अभी वो जिया जी से रजिस्टर में एंट्री करवा रहे हैं। ये देखिए गाइस हमारी माही आ गई है, और अभी रात का टाइम है, हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, इनको भी स्टडी करनी होती है। मुन्ना भाई गाइस अब हम घर आ गए हैं, और ये है मेरी दीदी का बेटा मंथन। ये एक जिम में एज ए ट्रेनर जॉब करता है, तो इसलिए ज़रा देर से घर आता है। और जैकी को देखिए, ये अब उससे भी कुछ मांग रहा है, क्योंकि उसको पता है मंथन जब भी घर आता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। देखिए गाइस खाना बन चुका है, और ये देखिए लौकी की सब्जी मलाई डाल के, और ये है दाल। और दीदी के हाथ की जो लौकी की सब्जी होती है वो बहुत टेस्टी होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लेके आई हूँ। और वैसे भी लौकी की जो सब्जी है वो मेरी फेवरेट है। गाइज हम लोगों ने डिनर कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। अरे रुकिए, आप लोग कहाँ चल दिए? अभी मेरा ब्लॉग पूरा नहीं हुआ है, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। गुड मॉर्निंग। तो गाइज एक नई सुबह के साथ मैं नीरू नेगी आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। और अभी मैं हूँ यहाँ छत में, धूप सेकने के लिए आई हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ठंडा हो रहा था। तो मैंने सोचा जब छत में हूँ तो क्यों ना आप लोगों को यहाँ से जो आसपास का व्यू देख रहा है वो दिखा दूँ। रात के अंधेरे में मैं आप लोगों को ठीक से कुछ दिखा नहीं पाई थी, एक सड़क दिखाई थी जिसमें बहुत सारा ट्रैफिक था। वैसे तो दोस्तों यहाँ शहरों में कुछ देखने लायक होता नहीं है, बस दूर तक घर ही घर दिख रहे हैं और सड़कों में गाड़ियाँ इधर उधर दौड़ रही हैं। मेरे गाँव का जैसा तो ना यहाँ व्यू है ना ही वातावरण है, क्योंकि जब मैं अपने घर की छत में जाती हूँ तो वहाँ तो मुझे दूर तक हरे भरे खेत दिखते हैं, जंगल दिखता है, और जो दूर आसपास में जितने भी मंदिर हैं वहाँ की जो घंटियाँ बजती हैं, आरतियाँ लगती हैं वहाँ जो मंदिरों में, वो तो सुनाई देती हैं। और उनको सुन सुन के तो मन करता है मैं छत में ही घूमते रहो। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो अगर बगल वाली छत से मुझे कोई आवाज़ मिलेगा तो वो भी मुझे ठीक से नहीं सुनाई दे, इतना शोरगुल है यहाँ गाड़ियों का। और मैं ऐसे शोरगुल वाले वातावरण में रहने की आदत की नहीं, मैं तो गाँव के शांत वातावरण में रहने की आदत की हूँ। तो मैं ज़्यादा देर तक यहाँ छत में रुक भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, और जो ये गाड़ियों की पैंपू पैंपू है इससे मेरा और भी दिमाग ख़राब हो रहा है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ का आसपास का व्यू। तो गाइस ये है दीदी के घर की छत से यहाँ के आसपास का व्यू। दूर तक आपको सिर्फ घर ही घर दिख रहे होंगे। और साथ में है इन गाड़ियों की आवाज़। ये देखिए जो मैंने आपको रात को जो सड़क दिखाई थी, जो ट्रैफिक से भरी हुई,
तो इसमें फिर से वही गाड़ियों की आवाज़ आ रही स्टार्ट हो गई है, और भाई इनके हल्ला गुल्ला है यहाँ और कुछ नहीं है। गाइस इतने घरों और शोरगुल के बीच में कुछ देखने लायक है तो वो है ये पहाड़ियाँ, देखिए जो दूर नजर आ रही हैं। तो गाइस मैंने आपको यहाँ से जो व्यू था वो दिखा दिया है, और अभी जैकी भी देखे मुझे परेशान कर रहा है, बोल रहा है छत से नीचे चलने के लिए क्योंकि इसको भी धूप अब तेज़ लग रही है। तो चले अब मैं जा रही हूँ छत से नीचे और मैं करती हूँ नाश्ता, उसके बाद मैं निकलती हूँ घर। गाइस मैंने नाश्ता कर लिया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ घर जाने के लिए। अभी मैं मंथन के संग जा रही हूँ अपने घर, मंथन अभी अपने फ्रेंड के संग खड़ा था इसलिए मैं नीचे नहीं गई हूँ। अब मंथन आ गया बाइक लेके तो अब मैं भी जाती हूँ नीचे। गाइस ये है हमारे मंथन की बाइक, और अभी मंथन मुझे छोड़ने आ रहा है तो वो अपने बाइक की हवा चक्कर आ रहा है।